स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को फिलहाल हड़ताल पर न जाने की अपील की है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को समर्पित भाव से पिछले कई वर्षों के समान अभी भी अपनी सेवाएं देने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। हड़ताल की स्थिति में कार्रवाई अलग बात है, लेकिन कर्मचारियों को यह विचार करना होगा कि जब छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के खतरनाक दौर से गुजर रहा है, तब लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों का हड़ताल करना कितना जायज है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में भी संदेश अच्छा नहीं जाएगा। प्रणाम, नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सभी संविदा कर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि कल से आप लोगों का निर्णय है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का। आज जब हम कोविड के संक्रमण से जूझ रहे हैं और गंभीर स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मुझे लगता है कि ये समय नहीं था हड़ताल में जाने का। आपकी बातें हैं, आपकी मांगे हैं, स्वाभाविक है आपको लगेगा कि वो जायज हैं। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों के संबंध में उल्लेख किया है और उस बात को छोड़ा नहीं है। तो ये समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं कि हमारे प्रति ही उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। नियम कानून अपनी जगह होते हैं, प्रश्न कार्रवाई का नहीं है। प्रश्न आपके विवेक का, आपकी समझदारी का है कि क्या आप अपने से पूछिए कि आप स्वास्थ्य विभाग के वो समर्पित कर्मचारी हैं जिन्होंने सालों से भी सेवा दी है, तो क्या ऐसे समय पे हमको छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों को, बहुत बुजुर्ग होंगे, वृद्धा होंगे, गर्भवती महिलाएं होंगी, बच्चे भी हो सकते हैं, सांस लेने में अनेकों को दिक्कत हो रही होगी, जीवन मृत्यु के संघर्ष के वो करीब हो सकते हैं, क्या ये समय है कि स्वास्थ्य विभाग के समर्पित कार्यकर्ता ऐसा संदेश दें कि नहीं, आपकी जो भी स्थिति होगी लेकिन हमको तो अपनी मांग के लिए पहले संघर्ष करना है। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि ये समय नहीं है इस प्रकार के निर्णय को क्रियान्वित करने का। स्ट्राइक पे जाने के लिए आपने जो विचार किया है, कृपया उसे अभी स्थगित करें। ये कोविड का समय निकल जाए, बातचीत कभी समाप्त नहीं होती, चर्चाएं आगे भी कभी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से अगर कोविड के समय ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी बात को रखना चाहेंगे, तो आप खुद सोचिए कि बात कितनी जायज लगेगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।